हेलो डॉक्टर, तो कैसे आप? तो वही हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं चंचल कुलदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म और जिसका नाम है ईसीआई नीट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो हमारी जो नेचर है उसकी खूबसूरती ये है, इसमें आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने मिलती है, अलग अलग आपको फैक्ट्स देखने मिलते हैं। ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते वो नेचर में हो रही है ऑलरेडी। तो ऐसा एक फैक्ट है, ये सिर्फ आपको जानना ही जरूरी नहीं है, ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। आपको ऐसा कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं बताया जाता जो कि आपकी एग्जाम से रिलेवेंट ना हो, ठीक है? तो आपकी जो इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है, 12th क्लास का जो 13th चैप्टर, मतलब 13वें नंबर का जो अध्याय है इकोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर, उसमें आखिरी में एक मतलब कि जो पैराग्राफ दे रखा है किसके बारे में, ऑर्किड फ्लावर, मतलब आर्किड जो प्लांट है, आर्किड प्लांट और एक जो बी है मतलब मक्खी होती है, उनके बीच में तगड़ा इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। पाया तो क्या जाता है, मतलब जो वो प्लांट है ना वो क्या करता है, मक्खी को, उस बी को क्या करता है, बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ कैसे बनाता है वो भी किस आप सुनिए उसको। प्लांट क्या करता है, जो प्लांट है ऑर्किड, जो प्लांट है ऑर्किड, जो प्लांट है वो क्या करेगा, अपनी जो लीफ है अपनी लीव को किसकी तरह से डिजाइन करता है, किसकी तरह से बनाता है। वो जो बी है ना, देखो मक्खी है, उसमें एक तो मेल होगा एक फीमेल होगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है? तो मेल को क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, और फीमेल को क्या चाहिए, मेल चाहिए। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अरे सारा खेल ही रिप्रोडक्शन का है। इकोसिस्टम जो टिका हुआ है, इवोल्यूशन जो चल रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो मेल क्या करता है, मेल किससे रिकॉपुलेशन करना चाहेगा, फीमेल से। तो इसका फायदा कौन उठाता है, वो प्लांट, आर्किड प्लांट क्या उठाता है, फायदा उठाता है। वो क्या करता है, वो अपनी लीव को किसकी तरह डिजाइन कर लेता है, जो फीमेल है, फीमेल जो बी है मतलब जो मादा मक्खी है, उसकी तरह से क्या कर लेता है, डिजाइन कर लेता है, मतलब कलर में एज इट इज उसके जैसे बन जाता है। अब वो जो मेल है वो बेचारा उस लीव को क्या समझता है, लीव को क्या समझता है, वही फीमेल समझता है कि ये फीमेल है, मेरे को इससे क्या करना है, कॉपुलेशन करना है। तो वो खुश होता होता हुआ उस प्लांट के पास जाता है और वो क्या करता है, कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है। बट कॉपुलेशन करेगा कैसे, वहां पर तो वो फीमेल थोड़ी थी, वो तो क्या थी, प्लांट की लीव थी। तो वो उससे जाकर के कॉपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, बट वो एक्चुअल में कॉपुलेशन है थोड़ी, मतलब वो कर रहा है बट एक्चुअल में है नहीं। तो उसका मतलब क्या, वो शूडो कूट जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हमने मान लिया है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ शूडो कॉपुलेशन करेगा। अब इससे हुआ क्या, जब वो शूडो कॉपुलेशन कर रहा है, तब जो वो प्लांट है उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो किससे चिपक गए, उस मेल बी से चिपक गए। अब वो मेल बी जब उड़ करके दूसरे उसी ऑर्किड प्लांट पर जाकर के बैठेगा, तो उसकी जो ओवरी है, ओवरी है उसके पास वो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका या इसका बेनिफिट क्या हुआ, आखिर में पोलिनेशन मतलब परागकण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सॉरी परागण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मेल गेमेट किसके पास पहुंच चुका है, फीमेल गेमेट के पास पहुंच चुका है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसको करवाया किसने, मेल जो बी है, नर जो मक्खी है उसने करवाया, ठीक है? तो ये अजीबोगरीब तथ्य था, अजीबोगरीब तथ्य था जो हमारे नेचर में हमको देखने मिलते हैं। तो इसमें देखिए ये कौन सा कनेक्शन है, इसमें जो प्लांट है आर्किड जो प्लांट है, वैसे पहले आप देख लो कि मेरी स्क्रीन के पीछे चल रहा है कि जो वो जो मेल बी है वो फीमेल समझ करके उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, कॉपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है बेचारा, और वो जो प्लांट है जालिम, वो जो प्लांट है उसको बेवकूफ बना रहा है। और वो देख के, वो तो बना रहा है और अजीब बात है कि वो बन भी रहा है, वो बन भी रहा है बेवकूफ। तो इसमें प्लांट जो है उसको तो बेनिफिट हुआ, बेनिफिट क्या हुआ रे, बेनिफिट उसको ये हुआ कि पोलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो देखिए मैंने जो आपको बताया अभी, जो सभी का सभी जो घटना मैंने आपको बताई, कैसे वो एक बेवकूफ बना रहा है और वो मजे की बात है कि वो बेवकूफ बन भी रहा है, तो ये पीछे स्क्रीन पर चल रहा है सब कुछ। इसमें आपको ये ऑर्किड प्लांट दिखता दिखाई दे रहा है,
और ये जो बी है मेल बी है, तो ये हमारी नेचर की खूबसूरती है, जिनमें दोनों के बीच में देखिए क्या कनेक्शन, कितनी ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल नजारा है ये। एक क्या कर रहा है, सिर्फ सिर्फ किसके लिए, कोपुलेशन के लिए, सिर्फ किसके पास चला गया, उस प्लांट के पास चला गया, बट एक्चुअल में उसको मतलब कोपुलेशन हुआ ही नहीं। अब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में इसको किसका एग्जाम्पल मान रखा है, इसको म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल मान रखा है। म्यूचुअलिज्म मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा कनेक्शन जिसमें दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब प्लांट को बेनिफिट हो रहा वो तो समझ में आ रहा है, बट इसमें जो मेल भी है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको बेनिफिट ये हो रहा है कि जो उसकी जो कोपुलेशन की एक तरह से जो इच्छा थी वो पूरी हो रही है, सिर्फ कोपुलेशन की इच्छा क्या हो रही है, पूरी हो रही है, तो ये उसको बेनिफिट हो गया। और प्लांट को क्या बेनिफिट हुआ कि उसकी जो पोलिनेशन की जो प्रोसेस थी, परागण की जो प्रक्रिया थी, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, वो कंप्लीट हो गई। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो अभी जो मैंने बताया ऑर्किड प्लांट और जो बी है उनके बीच में जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है, म्यूचुअलिज्म का कनेक्शन है, सहकारिता का कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारी नेचर की खूबसूरती थी। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए, एनसीईआरटी की इजी मैनर में समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।